और ये वाला काम मैं 60,000 रुपया पूरा लेकर आई हूँ। सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा कि संगीता जी कर्जा क्यों निकाली, अभी तो खेत नहीं छोड़वा पाई। तो दोस्तों क्या करें, कर्जा निकालने का रीजन यही। कहाँ गई थी चांदनी? कहाँ गई थी, क्या ली है बोरा में? बगियन गई। तो ये तो यहाँ चांदनी भाग गई, देखिए अपने मन के गई थी। नमस्ते अंजलि। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। ये बाथरूम का काम चल रहा है, कई हमारे भाई बहन पूछे हैं संगीता जी ये काम हो रहा है कैसे हो रहा है, कितना लागत आ रहा है, कैसे खर्चा, मतलब किस तरह हो रहा है। और मैं टाइटल थंबनेल जो डाली हूँ, वीडियो आप सब लास्ट तक देखोगे आप सबको पता चल जाएगा कि ये हमारा बाथरूम किस तरह किस हालत में बन रहा है। दोस्तों क्या करें, बहुत इमरजेंसी है इसीलिए इसको बनवा रहे हैं किसी न किसी तरह। तो यहाँ गोझिया निकाल रहे हैं चंदन के पापा। सभी दीदी भैया को राम राम। बाथरूम की जोड़ाई हो गया है और दो साइड और जोड़ना है, बाकी तो एक दो रदा जो भी जोड़ा जाएगा हो जाएगा। तो इतना काम कंप्लीट है, जोड़ दिए हैं। तो मैं सोची थोड़ा आप सबको दिखा दूं कि कहाँ तक काम हमारा ये पहुँचा हुआ है। इतना जोड़ाई हो गया है, देखिए ये, और उनके पापा मिट्टी खोद कर डाल रहे हैं दीवार के बगल में, क्योंकि गैप हो गया है, बारिश होगा तो पानी वहां जमेगा, तो वही बंद कर रहे हैं। इनको चाल रहे हैं सभी भैया। तो दोस्तों बाथरूम के पास पहुंच गए हैं, वहां चंदन के पापा पानी पिला रहे हैं सभी भैया को। और आज बाथरूम के अंदर का सफाइया हो रहा है, यहाँ ये देखिए प्लास्टर, और इधर साइड है। हाँ ये दोस्तों यहाँ पर भैया प्लास्टर कर रहे हैं, एक गड्ढे का प्लास्टर आधा हो चुका है और इधर दीवार का प्लास्टर हो रहा है, अभी इधर साइड का गड्ढा बाकी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह प्लास्टर हो रहा है। प्लास्टर के बाद इसका छत लदेगा ऊपर और सीट बैठाया जाएगा। तो यहाँ भैया सब प्लास्टर कर रहे हैं, मैं सोची कि थोड़ा आप सबको दिखा दूं। तो दोस्तों यहाँ तक काम पहुँच गया है। और इधर साइड चंदन क्या लिए हो? बिस्किट लिए हैं। और यहाँ सब काम पे लगे हुए हैं, और चंदन गए थे दुकान पे बिस्किट लाने। तो देखिए अब सिर्फ छत लदना बाकी है, तो इसीलिए दोस्तों वहाँ घर का प्लास्टर, छत लदाना, ये सब काम मैं नहीं की, ये जरूरी काम था, आप भी समझ सकते हैं मैं क्या बोलूँ ज्यादा। हाँ तो अंजलि यहाँ बिस्कुट फाड़ रही है, हमको बता रही है कि हमको दिखाओ, इधर साइड होगी तभी तो दिखाई देगी, कैमरा के नीचे बोल रही है हमको दिखाओ, तो बिस्कुट ली है ये। तो दोस्तों इसीलिए मैं वहाँ का काम छोड़ के यहाँ का काम करवा रही हूँ। तो जितना कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सकेगा ये बाथरूम हमारा बन जाए। तो करीब 60,000 के करीब में कर्जा लिया गया है, तो इतना काम जाकर हो रहा है। तो कुछ क्लिप आगे कैमरा से मैं दिखाई। और दोस्तों ये सब काम करने में हमें थोड़ा पैसा कर्जे पे लेना पड़ा, कर्जे पे बैंक से लोन ली हूँ 60,000। और किस तरह किस प्रोसेस से ली हूँ दोस्तों पूरा डिटेल बताने में ये बहुत टाइम लग जाएगा। और बैंक का नाम क्या बताऊँ, HDFC बैंक है, और प्रमोशन भी बैंक का हो जा रहा है। तो वहाँ पर लोन मैं ली हूँ, और एक हमारे गांव के मतलब चौराहे का भैया हैं वही दिलवाए हैं। तो पूरे 60,000 रुपया मैं लोन लेकर ये काम करवा रही हूँ। तो कहीं आप सब भी डिस्टर्ब ना रहें कि ये कहाँ से इतना जल्दी जल्दी हो गया, और कुछ पैसा तो दोस्तों इसी हिसाब से बाथरूम का काम हो रहा है, नहीं तो हमें 6 महीना फिर रुकना पड़ता, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा जोड़ करके घर के लिए रखी थी, और कुछ हमारे संजय भैया भी मदद दिए थे, और कुछ मैं अपनी तरफ से लगाई, तो हमारा घर का काम उतना हो गया। और ये वाला काम मैं 60,000 रुपया पूरा लेकर आई हूँ, और उसी से बनेगा। और दोस्तों कुछ पैसा कम पड़ गया है, ये छत डलवाने का पैसा कम पड़ रहा है। तो
टोटल मिला के इसी में एडजस्ट 60,000 तो नहीं हुआ है, कुछ उसमें घर का खर्चा, इधर आना जाना और बाकी दो तीन लोग का कर्जा थे पहले का, घर बनवाई का, मिस्त्री भैया का, सबका देना था, उसी में से खर्च की हूँ। तो अब देखेंगे बैंक का 2,000 रुपया महीना किस्त जमा करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं करीब ये 2,000 रुपया महीना जो भी लगेगा जितने महीने में 60,000 दे देना है। तो दोस्तों ये बात आप सबको सुनने में अच्छा नहीं लगा होगा कि संगीता जी कर्जा क्यों निकाली, अभी तो खेत नहीं छोड़वा पाई। तो दोस्तों क्या करें, कर्जा निकालने का रीजन यही है, बाथरूम के बिना बहुत दिक्कत हुआ करता है दोस्तों, सच बता रहे हैं। और आसपास के खेत में जैसे सबके पास बाथरूम बन गया है, एक दो लोग के पास बाथरूम नहीं है, तो बात ये आ जाता कहीं गंदगी किसी के खेत में होता है तो घर के हमारे घर का सब लोग करने लगते हैं कि इन्हीं के घर के लोग जाते हैं खेतों में गंदगियां फैला के आते हैं, गालियां भी सुनना पड़ता है। तो मैं भी यही इसी बात को लेकर मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द बना लिया जाए। और ये सब बात बोलना नहीं चाहती थी दोस्तों, लेकिन ये सब बात हो रहा है तभी मैं बोल रही हूँ। तो अब देखेंगे कितने दिन में, ये 10 दिन में या 20 दिन में, जितने दिन में हो सकेगा उतना जल्दी तैयार कर लेंगे। और दोस्तों वो लोन पटाने की बात है तो लोन पटा लेंगे, एक एक महीने में कुछ ना कुछ तो यूट्यूब से पैसा आता रहेगा। लेकिन दोस्तों आप सब देख रहे होंगे अब हमारा यूट्यूब चैनल उतना नहीं चलता है, तो क्या कह सकते हैं, जो नसीब में होगा वही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। लेकिन हमारा इतना चल रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं हमारे घर का खर्चा निकल जाएगा और आगे देखते हैं क्या होगा। बस आप सबका साथ सपोर्ट मिलता रहेगा तो कुछ नहीं होगा, और नहीं तो बीच में कुछ परेशानियां तो आएगा, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है, उतना नहीं आएगा। तो माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें, ये सब करवा रही हूँ आप सबके दम से, अपने दम से नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, आप सबके ही भरोसा से कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं दाल चावल रोटी बनाई हूँ और खाने जा रही हूँ। तो मैं सिस्टर के घर से रात को ही चली आई थी और बहुत लेट हो गया था, 9 बजे रात को सिस्टर के घर वाले और एक भैया सब लाकर छोड़ दिए थे। मैं बोली घर छोड़ने लायक नहीं है, बच्चे को छोड़ के गई थी मैं। और यहाँ मैं खाना खा रही हूँ दोस्तों, आ रही हूँ, आप सब भी आकर खा लीजिए। तो मैं रात को आकर यहाँ घर पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अंधेरा बहुत था, लाइट भी नहीं था। तो और मैं दोस्तों इसी हाथ से खा रही हूँ, दाहिने हाथ से, ये बाया है ये दाहिना है, तो आगे वाले कैमरे से ऐसे लगता है कि जैसे बायां हाथ से खा रहे हैं। तो दोस्तों हम खाना खा चुके हैं, देखिए तीन लोग एक थाली में तीनों बहनें खा रही हैं, ये देखिए बड़ी हो जाएंगी तो बोलेंगी इनका जूठा नहीं खाएंगे, उनका नहीं खाएंगे। और देखिए भाभी खा लीजिए, तो क्यों नहीं अलग अलग थाली में खाई, अलग अलग थाली में। तो मैं निकाल के दे रही थी खाना, बुला रही थी आकर खा लो, तो नहीं बोली है, सब नहाने गई थी, देखिए अभी बाल भीगा हुआ है। तो आई हैं अपने से खुद से खाना तीनों लोग निकाल के और एक थाली में खा रही हैं, देख लीजिए आप सब। तो दोस्तों सुबह से लगी थी, सारा सफाई कर दी, देखिए यहाँ का कपड़ा हटा के बोरे में भर दी, पीछे वाले कैमरा से दिखा रही हूँ, ये देखिए जहाँ पर खाना बनाते हैं और वहाँ का सारा कपड़ा हटा दी हूँ, दो तीन सामान और हटाना है दोस्तों। और यहाँ सब लोग दोबारा खाना निकाल रही हैं खाने के लिए, दाल चावल मैं उठा ली, हाँ अंजलि उठा ली, बंद कर रही लेकर जा रही हैं। तो सब लोग एक ही थाली में आज खाएंगी, पूरा मन बना ली है ये सब। कहाँ गई थी चांदनी, कहाँ गई थी, क्या ली है बोरा में, बगियन कह रही। तो ये देखिए छुट्टी है, किससे पूछी थी चांदनी, हाँ पत्तल बीनने के लिए किससे पूछी थी, हाँ चांदनी कौन बोला था, पत्ता है, हाँ वही पत्ती। तो ये सूखी पत्ती बीन के लाई है चांदनी, तो यहाँ चांदनी भाग गई, देखिए अपने मन के गई थी पत्तियां बीनने, तापने के लिए वहाँ ले जा रही है। तो यहाँ चांदनी देखिए तीन बोरा ये बीन का लाई है पत्ती, एक किसी तीन नहीं है, हाँ। बच्चों का साथ पाकर
गई थी ये पत्तियां बीनने, तो ऐसे क्यों करती हो तापनी, मत जाओ बीनने। अब तापने के लिए जग गई थी, तो नहीं जाना बीनने, हम ले आएंगे। तो मैं जाती थी दोस्तों, आज दो दिन से नहीं गई, आज ये सब देखी कि यहाँ पर नहीं है, तो यही बीनने लगी पत्तियां। स्कूल में नाम लिखाए हैं पढ़ाने के लिए कि पत्ती बीनने के लिए, पढ़ो है ना गुंजन। हाँ है, वैसे छोटे बच्चे हमारे गांव के जाते हैं तो साथ में उनके ये भी चली गई, एक बगिया है, बाग ही हमारे गांव के पास में है, तो वहीं पे गई थी बीनने, तो मैं भी जाती हूँ वहीं से ले आती हूँ, लेकिन आज ये सब पहले चली गई। तो यहाँ बोरे में भर भर कर 5-6 बोरा, हमें लगा कि 3 बोरे में रखा हुआ है। हाँ आज हमारी अंजलि ट्यूशन पढ़ने जा रही है, तैयार हो गई, चप्पल नहीं पहनी अंजलि, पहन लो चप्पल, यहाँ पे है। हाँ अच्छा जाओ, सर जी आ गए हैं, सभी बच्चे गए चले गए। नमस्ते अंजलि, मैं नमस्ते कर दी अंजलि से, तो देख लीजिए अंजलि हमारी जा रही है स्कूल, तो अभी वो जाएगी, यहीं पास में थोड़ी दूर पे जाना है उसको। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आशा करती हूँ आप सबके सवालों का जवाब मिल गया होगा, तो वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते। आप खा लीजिए, गुजिया खिला रही है अंजलि की।